बार एक गोपी वृंदावन आया करती थी दही और माखन बेचने। माखन बेचने आया करती सिर पर दही की मटकी लेकर। अब एक दिन उसका माखन और दही कुछ जल्दी बिक गया। अब जैसे ही कुछ जल्दी बिका तो अपने गांव के लिए चली और रास्ते में देखा कि भगवान की कथा हो रही है। उसने अपने मन में विचार किया कि चलो समय तो है ही, थोड़ी सी कथा सुन ले। अब वो जैसे ही भगवान की कथा सुनने के लिए बैठी तो कथा में बैठते ही पंडित जी महाराज कथा कर रहे थे प्रेम से कहिए, और पंडित जी कह रहे थे भवसागर में जीव यह अखल कोटि निस्तार, जो जाना हो पार किसी को तो भैया भज लो राधे श्याम। अब कथावाचक तो बोल ही रहे थे भैया पार जाना हो तो राधे श्याम भजो। अब आरती हुई, प्रसाद लिया और ये गोपी ग्वालन अपने सिर पे दही की मटकी रख के और जैसे ही चली तो ये यमुना जी पार करके आया करती थी। इसने सोचा जब पंडित जी कह रहे हैं कि राधे श्याम बोलने से भवसागर से पार हो जाते हैं तो क्या यमुना जी पार नहीं हो सकती? भवसागर पार हो सकता है व्यक्ति, यमुना जी पार नहीं हो सकती। अब इसने आंख बंद करके, पहले तो दो पैसे आने में खर्च होते थे, दो जाने में, अब दो आने में लगे दो जाने में। इसने जाए के नाव के पास तो गई नहीं, दूसरे तट पे जाके कहा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और जैसे ही पांव रखा कुछ ऐसी कृपा हुई भगवान की श्री ठकुरानी श्री लाडली किशोरी जू की कि पांव रखा और पांव पानी में डूबा ही नहीं, पांव ऊपर। उसने कहा अरे वाह, लेकिन वो जान गई कि ये राधे श्याम नाम का प्रभाव, बोलती रही राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। दूसरा पांव रखा वो भी ऊपर, एक 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 पांव रखते रखते कहते हैं वो यमुना जी पार चली गई। बिल्कुल सत्य घटना भक्तमाल की कथा। यहां दुनिया में जो भी घटित हो रहा है, किसी के साथ कुछ भी घट रहा है, किसी के साथ कोई ऐसी घटना घट जाए कि जिसको लोग असंभव कह दें, तो समझ लेना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है। यहां क्या नहीं हो सकता? अब दो पैसे जाने में लगते, दो पैसे बच गए, अब दो आने में लगे, दो जाने में दो आने में दो जाने में दो आने में चार पैसे रोज लगते और कई दिन तक आती जाती रही, एक महीना हो गया। अब इसने सोचा बहुत पैसे इकट्ठे हो गए, जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, ऐसे सदगुरु के चरणों में मैं क्यों ना करूं प्रणाम, ऐसे सदगुरु के चरणों में मैं क्यों ना करूं प्रणाम। इसने पोटली बनाई, अब आके पूरे वृंदावन में ढूंढे वो पंडित जी कहां है जो कथा कर रहे थे। अब एक एक द्वार खटखटाया, खैर किसी ने बताया कि ये पंडित जी का घर है। अब वो पहुंची, जाकर के पंडित जी महाराज से कहने लगी गुरु जी आपकी कृपा से मेरे जीवन में धन्यता आ गई। पंडित जी ने कहा अच्छा है बेटी। बोले पंडित जी मेरे पास बहुत पैसा जुड़ गया है। पंडित जी ने कहा जल्दी बता बेटा कहाँ है।
बोले पंडित जी मैं आपको भोजन करवाना चाहती हूँ आपके अपने घर ले जाकर। पंडित जी ने कहा ठीक है, तुम दो चार दिन बाद का उसको समय दिया, ठीक है तुम आना फिर हम भोजन करने चले। कहाँ रहती हो? जमुना पार। अच्छा 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 ठीक। अब आए पंडित जी घड़ी वड़ी बांध के, अपना धोती लपेटे और डाल के दुपट्टा टनाटन, पंडित जी चंदन त्रिपुंड लाए और तैयार हैं बिल्कुल। आई गुरुदेव चले, चलो अब सोचा कैसे जाएंगे। बोले गुरु जी ये रहा गांव। अच्छा पैदल ही चल पड़े। अब पैदल ही गुरु जी चल पड़े। अब आएंगे यमुना जी, तो पंडित जी ने कहा देवी कहां से जाएंगे हम? बोले गुरु जी इधर से ही जाएंगे। अब गुरु जी इधर से जाएंगे, इसलिए गुरु जी ने सोचा शायद इसने कोई नाव वाव लगा रखी होगी, पर्सनल पैसा तो बहुत है, क्या पर्सनल लगा रखी हो। पंडित जी चल रहे धीरे धीरे। अब जैसे ही तट पर पहुंचे तो चलो गुरु जी। अरे कहां चले? चलो गुरु जी। अब वो बोले गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। अरे यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना का भव सागर में भी, इसी मंत्र से काम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, राधे राधे बोलो राधे, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो राधे, राधे राधे बोलो, ओ राधे राधे बोलो राधे, राधे राधे बोलो, राधे बोलो राधे, राधे राधे बोलो, गुरु जी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। अब गुरु जी ने सोचा, अब गुरु जी सब कुछ बोले लेकिन वो ही ना बोले। अब इसने तो एक पांव रखा और पांव अंदर जाने का मतलब नहीं। अब ये मंत्र बंद नहीं करे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और गुरु जी सब कुछ बोले ए छोड़ ए छोड़। वो कहती है गुरु जी गुरु जी बोल। अब उसने बेचारी ने सोचा इन्होंने ही सिखाया तो इनको कहने की क्या जरूरत है, बोलेंगे। अब गुरु जी सब कुछ बोले लेकिन वो ही ना बोले। गुरु जी ने सोचा चुड़ैल है, जादूगरनी है, बटमार इनार है, चुड़ैल है, चुड़ैल है, चुड़ैल जादूगरनी या कोई बटमारनी नार। अब यही सोच कर पंडित जी बस करने लगे पुकार, उबारो 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 राधावर घनश्याम, उतारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। उबारो राधावर घनश्याम, जैसे गुरु जी ने बोलना शुरू किया भगवान की लीला, गुरु जी भी पार। अब गुरु जी देखें मेरा बेटा हवलदार है, मेरा बेटा थाने में, तुझे बंद करवा दूं। वो यही कहे गुरु जी कैसे तैसे खींच खींच, जब जब गुरु बोले उबारो राधा भरगन श्याम, पार निकले सीधा जमुना जी पार।
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है परमात्मा। किसी से उसकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। अब गुरुजी आकर के बैठे, आसन पर बिठाया, गुरुजी को भोजन कराया। अब गुरुजी भी सोचें कौन हो। उसने पूरी कथा सुनाई कि गुरुजी जो उसके साथ बीता उस दिन गुरुजी ने उसके चरण पकड़ लिए। देवी तू मेरे चरण पकड़ रही है, तू आराध्या है, मेरी आराध्या तू है। मैं तो सिर्फ कहता था, कहने वाले बहुत होते हैं, भगवान माफ करे, ऐसे ऐसे कथावाचक हमने देखे हैं जो जिस नगर क्षेत्र में कथा कर गए उसी नगर क्षेत्र में पी करके पड़े। कहना करनी और कथनी में बहुत फर्क है।